नमस्कार दोस्तों। तो एक होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल्स में, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ रैम रोम वगैरह होते हैं। और दूसरा होता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर कहाँ यूज़ होता है? वो यूज़ होता है वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव ओवन में, ऑटोमेटिक कार्स में, ऑटोमेटिक बाइक्स में, एसी में, जितने भी हमारे अप्लाइंसेस है, जो हम लोग ऑटोमेटिक अप्लाइंसेस बोलते हैं। हाँ भाई, ये हमारा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये खुद कपड़े धो देता है, ये वो कर देता है, तो उन सभी चीज़ों में माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली में होता है कि एक छोटा सा सीपीयू होता है, जिसमें उसका खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है, खुद का रैम होता है, खुद का रोम होता है, बहुत कम कम मात्रा में उसमें डेटा होते हैं, और वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर अप्लाइंस के लिए, एक पर्टिकुलर मशीन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब क्या समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो रोम होता है, उस रोम में बहुत कम डेटा जो कंपनी की तरफ से डाला जाता है वो रहता है। ठीक है, उसमें दिया हुआ रहता है कि भैया आपको, अगर वो बंदा जो है वो 5 किलो का आपको सामान देगा तो आपको उसको काम करना है, 5 से ज़्यादा देगा तो उसको आपको ओवरलोड बताना है। ठीक है, 5 किलो का है तो उसमें आपको इतना वाटर लेना है, इतना डिटर्जेंट लेना है, इतने बार उसको घुमाना है, वो जो घूमता है अंदर में, ठीक है, वो कितना बार घूमेगा, वो सारा को जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रोम में होता है। और रोम का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जब भी हम लोग अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, तो वो क्या करता है, डेटा जो रोम में रहता है वो रैम में आ जाता है, जो बहुत ही कम होता है, और वो डेटा को माइक्रो प्रोसेसर जो उसमें होता है प्रोसेसर, वो उसको रीड करता है और उसके हिसाब से काम करता है कि कितना पानी देना है, कितना बार उसको घुमाना है, कब तक कपड़े धुल जाएंगे, कितना बार धोना है, ये सारा जो चीज़ हम लोग वहाँ पे डेटा फीड करते हैं, या फिर वहाँ पे एक पैनल होता है, देखिएगा माइक्रो वॉशिंग मशीन वगैरह में या फिर माइक्रोवेव ओवन में भी, कि आप उसको कितना देरी तक गर्म करना चाहते हैं या फिर कितना देरी तक उसको धोना चाहते हैं, कितना बार धोना चाहते हैं, तो आपसे बहुत कम डेटा उन लोग लेता है कि हाँ भाई इतना मिनट हो गया या फिर इतने टाइम के लिए आपको धोना है या फिर गर्म करना है। सपोज बात कर लेते हैं आप वॉशिंग मशीन की, तो कितना देरी तक उसको धोना है, कितना बार आपको उसको घुमाना है, कितना बार आपको उसको सुखाना है, ये सारा कुछ जो डेटा होता है, एक मिनिमम आपका छोटा सा पैनल होता है, उसमें आप 1, 2, 3, 4 करके बहुत कम डेटा आप उसको देते हो, आप वो उस डेटा को लेता है और रोम से जो डेटा होता है उसको लेता है, दोनों को मैच करता है और उसके बाद आपके कपड़े धुल जाते हैं। यही प्रोसीजर आपका माइक्रोवेव ओवन में भी होता है, जब आप लोग गर्म खाना गर्म करने के लिए देते हो तो कितना देर तक गर्म करना है, आप छोटा सा इनपुट दे देते हो उसको, वो उस इनपुट को लेता है और अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करके आपको खाना गर्म करके दे देता है। तो ये जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं, इनका बजट बहुत ज़्यादा, तो आप अगर कंप्यूटर सिस्टम का पूरा प्रोसेसर या उतना रैम अगर यूज़ करोगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाता है, एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट जो आपको उस अप्लायंस को चलाने के लिए ज़रूरी है, उतना अमाउंट का उसमें रोम दिया हुआ रहता है, उतना अमाउंट का उसमें रैम दिया हुआ रहता है, उतना ही अमाउंट का उसमें प्रोसेसर दिया हुआ रहता है जो उस काम को करता है। ठीक है, अब जो मैं ये जो बातें बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू या फिर इसके आगे भी जो बातें होंगी, वो 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए जो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर के पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो मैं होप करूंगा कि अगर आप लोगों में से कोई जो इस वीडियो को देख रहे हैं 11th-12th में है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनको लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है अगर आप लोग के बीच में डिमांड रही तो मैं C++, C जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी जा सकता हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे किस बारे में वीडियो जाननी है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।